हाय गाइस, मेरा नाम है अक्षन। वेलकम बैक टू वर्ड्स में रिव्यू। सो आज के वीडियो में किसी मूवी का रिव्यू तो नहीं करने वाला हूँ, बट मराठी इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को कवर करना चाहता हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सो वीडियो की शुरुआत करना चाहूँगा 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में मराठी इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस। मार्च का महीना भी एंड होने को आ रहा है, जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ दो मूवीज़ बाकी है जो अब तक रिलीज नहीं हुई है। एक है मौर्या, जो आने वाले दिनों में रिलीज होने वाली है, और मार्च के एकदम एंड में यानी कि 29 मार्च को शायद अलीबाबा ने 40 इतले चोर ये फिल्म रिलीज होने वाली है। अब इन दोनों फिल्मों के ट्रेलर और प्रोमोस तो मुझे अच्छे लगे, बट अगेन ये फिल्म बस के मामले में एकदम लोअर एंड पर है। अब ये दोनों मूवीज बॉक्स ऑफिस पर कैसे और कितना परफॉर्म करेगी, ये इनके वर्ड ऑफ माउथ पे डिपेंड है। बट ओवरऑल अगर मैं मराठी मूवीज की परफॉर्मेंस की बात करूं, तो जनवरी, फरवरी और मार्च ये तीनों महीने मराठी इंडस्ट्री के लिए लॉस मेकिंग साबित हुए। आप कुछ लोग कहेंगे कि ओलियाले सुपरहिट थी, ओलियाले ने अच्छा बिजनेस किया है, शिवरंजन छावा ब्लॉकबस्टर थी, तो मैं ये बात कह दूं, ओलियाले मुझे फिल्म बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। ये फिल्म देखते हुए मैं बहुत ज़्यादा रोया था, और कंटेंट वाइज ये फिल्म मेरे लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। बट अगेन मेकर्स ने कहीं भी इस फिल्म के ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अभी तक रिवील नहीं किए। अब इस फिल्म के मेकर सोशल मीडिया पर तो बिंदास कह रहे कि फिल्म सुपरहिट हुई है, बट एट द एंड उनको भी पता है कि फिल्म के कलेक्शन लोअर एंड पर है, इतने भी एंकरेजिंग नहीं है। हाँ, कॉन्टेंट वाइज डेफिनेटली फिल्म वन ऑफ द बेस्ट है, जितने लोग देखने गए उन सभी को पसंद आई है, बट अगेन फिल्म के कलेक्शन उतने ज़्यादा हो ही नहीं है। और यही चीज दिखपाल जी करके शिवराजा छावा को भी अप्लाई होती है। मेकर चाहे कितना भी ढिंडोरा पीट ले कि उनकी फिल्म ने इतना कलेक्शन किया, उतना कलेक्शन किया, पर एट द एंड उनको भी पता है कि फिल्म डिजास्टर हुई है। 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में पंचक एंड नवरदेव बीएससी एग्री ये दोनों फिल्में भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, बट सैडली बॉक्स ऑफिस पर इतनी नहीं चल पाई। जहां 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में मराठी इंडस्ट्री ने अंडर परफॉर्म किया, वहीं पे मलयालम इंडस्ट्री ने झंडे गाड़ दिए विद ब्रह्मयुगम, प्रेमलु एंड मंजुमल बॉयज। अभी रिसेंटली टोबिनो थॉमस की नेटफ्लिक्स पर एक फिल्म रिलीज हुई है जो इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर है, टॉप क्लास, लिमिटेड बजट, सिंपल डायरेक्शन, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरी लाइन जो इस फिल्म को एक मस्ट वॉच बनाती है। एंड ऐसी फिल्म में समझ नहीं आ रहा कि मराठी इंडस्ट्री क्यों नहीं बनाती। भाई ऑनेस्टली कह रहा हूँ, 10-15 साल पहले जो मराठी इंडस्ट्री काम कर रही थी ना, वही काम आज मलयालम इंडस्ट्री कर रही है इन टर्म्स ऑफ कॉन्टेंट। एक एरा था जब मराठी इंडस्ट्री बैक टू बैक सुपरहिट फिल्में दे रही थी और बॉक्स ऑफिस पर डोमिनेटली परफॉर्म कर रही थी। आई मीन सीरियसली 2015 तक मराठी इंडस्ट्री को लेकर मेरी ये मेंटेलिटी थी कि आज अगर हमारी मराठी फिल्में ऐसे परफॉर्म कर रही है, इस तरह के कॉन्टेंट बना रही है, एंड जस्ट इमेजिन 15-20 सालों बाद हमारी इंडस्ट्री किस लेवल पे होगी। बट आज हम कंटेंट और प्रोडक्शन क्वालिटी के मामले में सबसे नीचे हैं। आज के टाइम में मराठी इंडस्ट्री के पास हीरोइनों की गांठ और अंकुश जैसी घटिया फिल्में बनाने के लिए जम के पैसे बनाने के लिए भी और उनकी मार्केटिंग करने के लिए भी। एक बात मुझे समझ नहीं आती कि इस तरह की आउटडेटेड स्क्रिप्ट अप्रूव कैसे होती है, क्यों फिल्म के डायरेक्टर हाँ बोलते हैं, क्यों फिल्म के प्रोड्यूसर ऐसी फिल्मों पे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। आता मराठीत मला एक उदाहरण देतो तुम्हाला, रचना नावाचा चित्रपट यूट्यूबवरती अवेलेबल आहे, त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन मध्ये ऍड केली आहे। हा चित्रपट बनवण्यासाठी फिल्मच्या रायटरने वर्षन वर्ष लावले। हा सिनेमा बनवण्यासाठी ते मोठमोठे प्रोड्युसर्सकडे गेले, प्रोडक्शन हाऊसेसकडे गेले, पण एकाने त्यांची ऐकली नाही। हे मोठमोठे प्रोड्युसरचे असिस्टंट स्क्रिप्ट वाचून सांगायचे की तुमचे स्क्रिप्ट कमर्शियल नाही आहे, त्याच्यामध्ये मास मसाला तडका नाही आहे। म्हणजे आता हे पर्सनल सेक्रेटरी किंवा असिस्टंट रायटर लोकांना सांगणार की तुमची स्क्रिप्ट चांगली आहे की नाही, ज्यांना क्रिएटिव्हिटीचा सी पण नाही सीस आले। नाही शेट या फिल्मच्या रायटरने यांच्या लीड ऍक्टर म्हणजे शरद पंक्षासोबत हा चित्रपट जॉईंटली प्रोड्यूस केला, 4 दिवसात शूटिंग कम्प्लीट केली आणि युट्यूबवरती रिलीज केला, त्याला युट्यूबवरती चांगला रिस्पॉन्सही मिळाला, तर तुम्ही एकदा नक्कीच बघा। रिसेंटली अमेझॉन प्राइम व्हिडिओज ने टोटल 70 मूवीज और वेब सीरीज की अनाउंसमेंट की है, बट मजा ले उसमें एक मराठी प्रोजेक्ट आपको ढूंढने से भी मिला है। और इसी बात पर मुझे बहुत ज्यादा दुख हो कि 70 कंटेंट की अनाउंसमेंट की है, पर उसमें से एक भी मराठी प्रोजेक्ट नहीं। सिर्फ मटका किंग नाम की वेब सीरीज है जिसको नागराज मंजुला डायरेक्ट करने वाले, बट प्रोड्यूस कर रही आदित्य रॉय फिल्म्स। बट फिर भी मैं चाहूंगा कि अगर नागराज मंजुला इसे डायरेक्ट करे तो इस वेब सीरीज को मराठी में भी डब करना चाहिए। रिसेंटली प्राइम वीडियोज वालों ने छोरी 2 की भी अनाउंसमेंट की, जिसके क्रिएटर है विशाल पोरिया, और ये वही क्रिएटर है जिन्होंने लपा छुपी फिल्म बनाई थी एंड छोरी उसका रीमेक थी। बट यहाँ पे मैं चाहता था कि लपा छुपी का सीक्वल आ जाए और वो प्राइम वीडियोस में अगर इंक्लूड किया जाता देन भाई मजा आ जाता। एंड यही बात मुझे समझ नहीं आ रही कि छोरी के कंपैरिजन में लपा छुपी को ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला था फ्रॉम मराठी एंड नॉन मराठी ऑडियंस, तो इसलिए लपा छुपी 2 का आना बहुत ज्यादा जरूरी था फॉर मराठी इंडस्ट्री, बट सैडली ऐसा वो भी नहीं हो पा रहा है। एंड यहाँ बात अगर मैं मराठी ओटीटी प्लेटफॉर्म की करूँ देन मराठी ओटीटी प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू लिविंग डेड, जो होके भी ना होने जैसा है। स्पेशली प्लेनेट मराठी वालों ने जितनी जोरों शोरों से अपनी बिजनेस की शुरुआत की थी और कॉन्टेंट की अनाउंसमेंट की थी, वो सारे के सारे गायब हो चुके। मुझे ऐसा लग रहा है कि मराठी फिल्म मेकर्स की तरह इनके पास भी अभी बजट बचे ही नहीं और पैसे बचे ही नहीं। आज के टाइम में मराठी मूवी चाहे कितनी भी बड़ी फ्लॉप क्यों ना हो जाए, वो एक महीने में डायरेक्ट ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आ जाती है, स्पेशली प्राइम वीडियोस पर। अब कई लोगों को ऐसा लगता है कि प्राइम वीडियोस खुशी खुशी मराठी मूवीज खरीद रहा है, अपने प्लेटफॉर्म पे चला रहा है और फिल्म मेकर्स को पैसे दे रहा है, बट ट्रस्ट मी ये बात नहीं है। अभी ओटीटी वाली जो डील होती है ये दो टाइप की होती है, एक है वन डील
यानी कि जहाँ पे दोनों पार्टीज नेगोशिएट करते हैं और एक पॉइंट पर आके एक प्राइस फिक्स करते हैं कि इस मूवी का मैं इतना आपको दूंगा और मेरे प्लेटफॉर्म पे चलाऊंगा। और सेकंड टाइप है पे पर व्यू, जहाँ पे हर एक सिंगल व्यू पर एक पर्टिकुलर अमाउंट उस पर्टिकुलर प्रोडक्शन हाउस या फिर जो भी रजिस्टर्ड कंपनी है उनको दी जाएगी। तो अगर मराठी ऑडियंस बार बार की ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जाके मराठी मूवीज देख रही है तो इसका मतलब कि मराठी फिल्म मेकर्स ओटीटी के द्वारा पैसा कमा रहे हैं। बट अगर मराठी ऑडियंस नहीं देख रही है इसका मतलब थिएटर के साथ साथ ओटीटी पर भी इनकी लग पड़ी है। जिस दिन नेटफ्लिक्स पर आपको मराठी कंटेंट देखने को मिलेगा उस दिन समझ जाना कि मराठी इंडस्ट्री के अच्छे दिन वापस आ गए, क्योंकि नेटफ्लिक्स वही कंटेंट लेगा जो आउट ब्रेकिंग उन्हें लगेगे इंटरेस्ट में, उस दिन का मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ। अब आज की वीडियो का लास्ट सेगमेंट है मराठी मूवीज और उनके खोए हुए डायरेक्टर्स। मराठी इंडस्ट्री में एक टाइम था जब संजय जाधव, प्रियदर्शन जाधव, रवि जाधव, आदित्य सरपोदार, नागराज मंजुले, महेश मांजरेकर, भावराव नाना साहब कराड़े और ऐसे कितने सारे डायरेक्टर्स थे जिनकी फिल्में अगर आ रही है तो ऑडियंस भर भर के थिएटर में जाते थे। नो मैटर फिल्म का एक्टर कौन है, डजंट मैटर टू देम, वो बस डायरेक्टर के नाम से फिल्म देखने जाते थे। अब इनमें से कुछ ऐसे डायरेक्टर्स है जो बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स में इतने ज्यादा बिजी है कि उनके एक या दो साल ऑलरेडी लॉक हो चुके हैं फॉर बॉलीवुड प्रोजेक्ट। और कुछ डायरेक्टर ऐसे जो मराठी फिल्में बना तो रहे बट वो चल नहीं रहे। आता मराठी मतलब आपल्या इंडस्ट्री मध्ये जो स्टार पॉवर मराठी ऍक्टर्सचा असायला पाहिजे तो स्टार पॉवर आपल्या मराठी डायरेक्टरचा आहे जो कुठे ना कुठे आता परत यायला हवा। स्पेशली नागराज मंजुले, रवि जाधव, प्रियदर्शन जाधव, संजय जाधव आणि भाऊराव नानासाहेब कराडे यांचा कमबॅक तर व्हायलाच पाहिजे। सो गाइस दिस इज एंड ऑफ द व्हिडिओ। इस कंटेंट के बारे में आप क्या सोचते हो और आप मराठी इंडस्ट्री को किस तरह की सजेशन देना चाहते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।